दोस्तों ये है हमारी फर्स्ट डॉल। चलिए अब इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। ये वाली डॉल है जिसके मैंने ऊन के बाल बना दिए थे और ये मेरे चैनल की डीपी भी है। ये वीडियो न्यू नहीं है, ये तब का है जब मैंने चैनल स्टार्ट ही किया था और मैंने बहुत सारी डॉल्स खरीदी थी। ये मैंने सदर बाजार से ली थी और इनका मैं आपको प्राइस भी बताऊंगी। मैंने इस डॉल को खोल लिया बट इसके साथ एक शूज नहीं आया है, सिर्फ एक ही आया है। इस डॉल की बेस्ट चीज है इसके मूवेबल हैंड और इसकी आईज। हेलो दोस्तों, इस डॉल का प्राइस था 120 रुपीज। अब हम अनबॉक्स करेंगे ये दूसरी वाली डॉल। ये भी आपने बहुत सारी स्टोरीज में देखी होगी। इस डॉल की ड्रेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस डॉल का प्राइस भी है 120 रुपीज। एक्चुअली इनका प्राइस इतना कम इसीलिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी डॉल्स मैंने 2 साल पहले ली थी, 2019 में जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। अभी इन डॉल्स के प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ये एक प्रिंसेस वाली डॉल है जिसके हेयर मल्टी कलर्ड है और इसकी आईज ग्लास वाली है। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट डॉल को जो कि है ये वाली। ये 3 डॉल का सेट है बट जब मैंने ये ली थी ये मुझे पड़ी थी 150 रुपीज की, बट अब इनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है। उस टाइम में तो मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिल गई थी। ये मुझे सबसे बेस्ट डील लगी क्योंकि इसमें हमें 3 डॉल्स मिल जाती हैं। जब मैंने ये सारी डॉल्स ली थी तो मैंने इसको सबको रिकॉर्ड कर लिया था ये सोचकर कि कभी मैं इस वीडियो को डालूंगी। तो ये हैं हमारी 3 डॉल, जिसमें से जो ये वाली डॉल है ये मेरी फेवरेट है इन तीनों में से। पता नहीं क्यों ये मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगती है। इन डॉल्स के बाल बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट हैं। ये डॉल्स बहुत ज़्यादा सिंपल होती हैं, इनके सिर्फ शोल्डर ही मूव होते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखेंगे हमारी नेक्स्ट डॉल जो कि है ये वाली। ये मेरी सेकंड बेस्ट डॉल है और इसकी 2 चोटियाँ बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगती हैं और इसकी ड्रेस भी प्रिंसेस वाली है बिल्कुल। इनकी मूवमेंट सिर्फ इतनी ही हो पाती है। इन डॉल्स के साथ मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं पास्ट में। अब हम बात करेंगे फाइनली इस लास्ट वाली डॉल के बारे में। ये वाली डॉल भी उन 2 डॉल्स की तरह बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड इसके बाल मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखे थे। अगेन मूवमेंट सिर्फ पैरों हाथों में, सिर्फ जॉइंट से ही है। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट डॉल की जो की है ये वाली डॉल। इस वाली डॉल को आपने काफी सारी वीडियोस में देखा होगा, जो हाउसवाइफ वाली सीरीज थी उसमें ये हाउसवाइफ बनी थी। चलिए अब जल्दी से इसको ओपन करते हैं। इसका प्राइस भी 120 रुपीज था एंड मेरी मोटिवेशन जो इस डॉल को खरीदने की थी वो थी इसके लंबे बाल और इसकी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। इस डॉल के साथ हमें काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिली, जैसे कि पहला है ये क्राउन, ये बहुत ज़्यादा प्यारा है, और प्यारा सा रेड कलर का हैट, और ये कुछ लंबा सा जो कि मैंने अभी तक कभी यूज़ भी नहीं किया, पता नहीं ये आया भी क्यों है इसके साथ वैसे। और अब मैं इसको ज़रा खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ अच्छे से। इस डॉल की बेस्ट चीज़ ये है कि इसके हैंड्स और इसके लेग्स बहुत ज़्यादा मूवेबल हैं, इसके रिस्ट भी मूव हो सकती है और इसके लॉन्ग हेयर। इस डॉल के लंबे बाल हैं इसीलिए मैंने इसे हाउसवाइफ वाली वीडियो में यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। इसके लेग भी मूव हो सकते हैं। तो ये है हमारी ओवरऑल डॉल। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट डॉल। बाय बाय। हमारी नेक्स्ट डॉल है ये सिंपल सी डॉल। एक्चुअली मैंने इस वाली डॉल को इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि मैंने सोचा कि हमें वीडियो बनाते हुए ऑडियंस की भी ज़रूरत पड़ती है या फिर कोई थर्ड कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इतना स्पेशल नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने ये डॉल ख़रीदी। ये इतनी अच्छी नहीं है, ये अंदर से बिल्कुल खोखली है, आप जैसे देख सकते हैं ये बिल्कुल प्लास्टिक, इसका बहुत ज़्यादा बेकार वाला है। इस डॉल का प्राइस था 40 रुपीज। वहाँ पर मुझे बहुत क्यूट सा ऑटो रिक्शा भी दिखा था, इसका प्राइस था 40 रुपीज, तो इसीलिए मैंने इसे ख़रीद लिया। देखिए कितना ज़्यादा क्यूट है, बिल्कुल छोटा सा ऑटो रिक्शा। जो मैंने ये नेक्स्ट चीज़ ली है ये भी मैंने वहीं से ली है। ये है एक बेबी स्ट्रॉलर और इसमें एक बहुत क्यूट सी डॉल भी आई है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसका प्राइस भी है सेम 40 रुपीज़ का।
कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको सबसे प्यारी डॉल कौन सी लगी या फिर सबसे अच्छा टॉय कौन सा लगा। अब बात करेंगे हम इन बेबी डॉल्स की। आपने मेरे डॉल कलेक्शन वीडियो में इन डॉल्स को देखा होगा। मैंने ये बाद में बहुत सारी खरीद ली थी क्योंकि मुझे 100 रुपीज में बहुत ज्यादा वर्थ लगी। इसकी जो क्वालिटी है, इसके बालों की क्वालिटी, इसका प्लास्टिक, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। सेम जो बारबी वाली डॉल्स आती हैं उसके टक्कर का प्लास्टिक है। बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये, इसीलिए मैंने ये दूसरी वाली भी खरीद ली थी। इसका हैंड थोड़ा मुड़ा हुआ है लेफ्ट वाला, और ये सिर्फ इन दो स्टाइल में आती है, एक स्ट्रेट हैंड और एक मुड़ा हुआ हैंड। ये देखिए इनके बाल इतने लंबे होते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डॉल की, जो कि है एक कपल सेट। ये कपल सेट मुझे मिला था 450 रुपीज में। इसकी सिर्फ एक बुरी बात है कि इसके जो दोनों ये डॉल्स हैं, लड़का और लड़की, इन दोनों में से किसी के भी हैंड्स मूव नहीं होते हैं। और जो लड़की है उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सही है, अच्छी है। और जो ये फेरी वाला ड्रेस है वो मुझे बहुत प्यारा लगा था। इस डॉल में सिर्फ एक ही कमी है कि इसके हाथ मूव नहीं होते, इसके पैर भी बेंट नहीं होते हैं, बट इसके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें कलर भी हो रखा है पिंक कलर का। वैसे ये वाला डॉल सेट मैंने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि इसमें एक मेल डॉल था और हमें सदर बाज़ार चांदनी चौक में सिर्फ एक इंडिविजुअल मेल डॉल नहीं मिलता है, तो सिर्फ इस मेल डॉल की वजह से मैंने ये डॉल सेट खरीदा था, ये कपल सेट। तो चलिए अब बात करते हैं इस मेल डॉल की। अब मैं बात करूँ तो इसके प्लास्टिक की, तो ये प्लास्टिक काफ़ी बेकार क्वालिटी का है। इसका जो प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा दबता है, मेरा मतलब है खोखला है। और एक और चीज़ जो इस डॉल के बारे में ख़राब है वो है कि ये बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता है। अगर ये बैठता है तो इसकी टांगें निकल जाती हैं साइड साइड से। इसके साथ एक क्यूट से शूज़ भी आए थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये मेरा सेकेंड मेल डॉल था जो कि मैंने ख़रीदा था चांदनी चौक से ही। अब हम बात करेंगे कि इनके साथ हमें क्या क्या मिला है। तो हमें मिली हैं ये सारी की सारी चीज़ें। इनमें से दो सेट गायब इसलिए हैं क्योंकि मैंने एक डॉल को पहना दिए थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस नॉर्मल से डॉल सेट की, जिसके साथ हमें ये सारा सामान मिल रहा है। हमें बहुत प्यारा सा एक सोफ़ा मिलता है, हमें चार चेयर मिलती हैं, और आप ये सेंटर टेबल देख रहे हैं, ये भी हमें इसके साथ ही मिलता है। डॉल मैंने इसीलिए ली थी क्योंकि कभी कभी हमें स्टोरी में साइड कैरेक्टर्स दिखाने होते हैं, और इस डॉल का प्राइस था आई थिंक 45 to 50 rupees। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी डॉल कौन सी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।